हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मटर पनीर की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। तो आपने कई बार खाई होगी, एक बार ही ये विधि अपना के देखें। आपको उम्मीद है ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो सब इसके लिए हमने प्याज, लहसुन और पनीर और हरी मिर्च ली है। तो चलिए सबसे पहले रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम प्याज को एक छोटे से कद्दूकस से इस तरीके से क्रश करेंगे। अगर आप चाहें तो मिक्सी में या सिलबट्टे पे आप इसे पीस सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम प्याज को इस तरीके से क्रश कर लेंगे। तो ये देखिए, प्याज का क्रश हमने कर लिया। और अब यहाँ पे मैंने 2 पीस टमाटर लिए हैं। आप इसे इस तरीके से कट करेंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, या फिर इसकी एक प्योरी बना लीजिए। तो टमाटर भी कट के तैयार हैं। और यहाँ पे मैंने लहसुन और हरी मिर्च का एक पेस्ट बनाया है। आप चाहें ग्राइंडर में भी बना सकते हैं या फिर ईमानदस्ते में इस तरीके से पीस कर बना सकते हैं। तो चलिए हम लहसुन और हरी मिर्च का एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। लीजिए, हमारा पेस्ट भी तैयार है। तो मसालों में मैंने लिया है सबसे पहले 6 से 7 लौंग, बड़ी इलायची 2 पीस, तेज़पत्ता 1 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच, जीरा और 2 पीस छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के। तो इन मसालों को हम पहले एक इस तरीके से में डाल देंगे। और हमें तेज़पत्ता नहीं पीसना है और ये भी पाउडर फॉर्म में तैयार है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो पनीर लिया है इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे इस तरीके। और इधर हमारे thank you.
वॉचिंग, प्रेस द बेल आइकन।